जी वेलकम बैक। अच्छा ये देखें, ये जो एक डिस्ट्रीब्यूटर हमने ओपन किया था ना गूगल मैप में से, उसको मैं चेक कर रहा था, तो ये देखें कि इसने क्या मेंशन किया हुआ है कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अमेरिकन प्रीमियम ब्रांड्स। तो जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो किसी एक ब्रांड का ही डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, उसके पास बेशुमार ब्रांड्स होते हैं। तो अगर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो है वो अप्रूवल दे देता है, तो उसके पास फिर जितने ब्रांड होते हैं ना, वो सारे आप उससे परचेज कर सकते हैं। आप उनसे बाकी ब्रांड्स की भी जो है वो कैटलॉग उनसे मंगवा सकते हैं, बाकी ब्रांड के आइटम्स की भी। ये देखें अब इसके पास कितने सारे ये ब्रांड्स हैं, तो किस स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रॉल आउट हो रहे हैं। तो इस तरह से जो ब्रांड्स आपको आएंगे ना इसके थ्रू, गूगल मैप के थ्रू, ये ऑथेंटिक होते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, और इनके पास काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो इस जो मेथड है, इसको भी आप डेफिनेट ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हाँ, आज हमारे कोर्स का लास्ट लेक्चर है कि लिस्टिंग, व्हाट इज लिस्टिंग, लिस्टिंग आपने कैसे करनी है, और होलसेल एफपीए में जो लिस्टिंग है वो किस तरह से की जाती है। जो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग बिल्कुल उसका मेथड और होता है, और होलसेल की जो लिस्टिंग है इसका बिल्कुल मेथड चेंज होता है और होता है अमेज़ॉन पे। तो आज हम ये सीखेंगे कि आपने लिस्टिंग किस तरह से करनी है होलसेल में, और होलसेल की लिस्टिंग को मी टू लिस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। मी टू लिस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर ली है और आपने उसको सोर्स भी कर लिया है, आपने अपने क्लाइंट से मिनरल्स की इन्वेंट्री का ऑर्डर करके उसकी जो है आपने इन्वेंट्री मंगवा ली है, तो अब आपने उसको जो है लिस्ट करना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री का ऑर्डर करने से पहले आपने एक बार उस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लिस्ट करके लाजमी देखना होता है कि ये मेरे अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट भी हो रही है या के नहीं, या अमेज़न उसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं मैं इसे मांग रहा। और बेशक आप उसको लिस्ट करके तो उसको आप पब्लिक ना करें, उसको आप लाइव ना करें, उसको आप अनलिस्टेड रहने दें। तो जब आपकी इन्वेंट्री आ जाए और अमेज़न की मेरा पहुँच जाए, तो तब आप उसको अपनी उस लिस्टिंग को लाइव कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट तो आपको एक ही क्लिक करना पड़ेगा, तो आप उसको लाइव कर देंगे। तो हम चलते हैं ज़रा अपने उसकी तरफ। हाँ, ये आपके आगे मी टू लिस्टिंग। अच्छा जी, ये अच्छा, इस तरह से ये जो सेलर सेंटर आपके सामने आएगा किसी भी क्लाइंट का, जब आप उसकी चाइल्ड एक्सेस उससे लेंगे या आप खुद से काम कर रहे हैं, तो सेलर सेंटर की इस तरह का एक सरफेस, इस तरह की लुक आपके सामने जो होगी जब आप उसको लॉग इन करेंगे। तो अच्छा क्या करना है आपने, ये देखें यहाँ पे इसके ये ऊपर फीचर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ये ब्लर है, मैं साथ साथ आपको बोलता जाता हूँ। आप मेरे जो माउस का कर्सर है एरो के ऊपर अपना ध्यान रखिएगा, तो मैं साथ साथ आपको डिस्क्राइब करता जाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये सारे इसके फीचर्स हैं जो आप स्टोर कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी अकाउंट आपने अपना बनाया है नया, तो उसके ऊपर फौरी से कि कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट ना करें, उसको 20-25 दिन सिर्फ आप उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करें, उसको लॉग इन करें, उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करें और उसको लॉग आउट कर दें। तो 20-25 दिन बाद या महीने के बाद आप उससे कोई प्रोडक्ट अपने लिस्ट करें, फ़ौरन से प्रोडक्ट लिस्ट करने से भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट होते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, ये चीज़ें आपने क्लाइंट को बतानी होती हैं, पूछ लेनी होती हैं। अच्छा ये देखिए, फर्स्ट में आ रहा है कैटलॉग, ठीक है। यहाँ से आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट को जाके तो लिस्ट करते हैं, उसकी लिस्टिंग तैयार करते हैं यहाँ कैटलॉग में। यहाँ पे आपके जितनी भी लिस्टिंग होती हैं वो सारी स्टोर हो रही होंगी। इन्वेंट्री में आपने जो जो आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट है उनकी कितनी कितनी मिकदार पड़ी हुई है, कितनी सेल हो गई हुई है, कितनी बकाया रह गई है, ये सब इन्वेंट्री में शो होंगे। अच्छा मैं प्रोडक्ट प्राइसिंग, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के ऊपर 20 प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, तो
प्रोडक्ट की प्राइस, अब सबकी तो आपको नहीं याद होगी कि आपने अपने अकाउंट में क्या क्या रखी हुई है, तो यहाँ से आप उनकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप उनकी प्राइसिंग को एडिट भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी प्रोडक्ट की प्राइस आपके सेलर्स ने कम की है, तो डेफिनेटली अब आप उसके साथ कंपटीशन में है, आपने भी बाय बुक फिर करना है, तो आप भी अपनी प्राइस को उसके मुकाबले में नीचे लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके ऑर्डर्स होंगे, कितने ऑर्डर तो आपको आए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने फुलफिलमेंट फुलफिल आपने कर दिए हुए हैं, टोटल ऑर्डर्स का रिकॉर्ड यहाँ ऐसे ऑर्डर्स पे आएगा। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के साथ होलसेल में आपका कोई काम नहीं होता है, तो एडवर्टाइजिंग जो है ये वाला जो फीचर है ये प्राइवेट लेबल में यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह से इसके बाकी सारे ये जो फीचर्स हैं, ये इसमें पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स में आप सारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपकी टोटल पेमेंट्स कितनी बनी, कितनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी, कितनी पेंडिंग है, ठीक है। और यहाँ से आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं अपनी किसी भी अकाउंट के किसी भी फीचर्स की, पेमेंट्स की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, प्राइसिंग की कर सकते हैं, इन्वेंट्री की कर सकते हैं, कैटलॉग की कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग की कर सकते हैं, तो इस तरह से ये आपके फीचर्स हैं। अच्छा, अब आप हमने क्या करना है, मी टू लिस्टिंग, तो हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, हम अपने शीट से, ठीक है, कोई भी एक एसएम जो है, ये देखें हम अपनी शीट से किसी से कोई एक एसएम हमने यहाँ से लिया है, ठीक है, हम एसएम को कॉपी करके लेके आए हैं। और हमने क्या किया है, हम ये है कैटलॉग के ऊपर, कैटलॉग पे जब आपने क्लिक किया तो ये आपको नीचे एक ऑप्शन आया ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद वो जो एसन हमने कॉपी किया, ठीक है, उस एसन को इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी ऐड प्रोडक्ट के बाद, तो उस एसन को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, बायर अकाउंट से ज़्यादा सिंपल है अमेजोन का सेलर सेलर अकाउंट, तो यहाँ पे आपने इस एसन को पेस्ट करना है, ठीक है, उसको सर्च करवा देंगे। अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ से आपको मैं चीज़ें समझा देता हूँ, दो सिनेरियो बनते हैं यहाँ, जब आप किसी एसन को यहाँ पे ला के सर्च करवाते हैं तो दो सिनेरियो बनते हैं, एक क्या बनता है वो जरा देखें। अब इस यहाँ से अब आपका गेटेड और अनगेटेड का कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करने लगा हूँ कि वो क्या है। अच्छा, एक सिनेरियो क्या बनता है, गेटेड वाला, गेटेड वाला, ये वाला गेटेड वाला सिनेरियो आपको बताता हूँ कैसे गेटेड होता है। अच्छा, ये जब किया तो उसने हमें क्या बताया कि ये देखें जी, ये वाली प्रोडक्ट है, ये है, और यहाँ पे आ गया एक ब्लू उसमें के अप्लाई टू सेल, कि अगर आपने इस एसन को लिस्ट करना है या अमेजोन पे सेल करना है तो अमेजोन कह रहा है कि इसके लिए आपको मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इस चीज को मार्केट और क्लाइंट कह देता है कि जी ये प्रोडक्ट गेटेड है, ये अमेजोन ने हमसे एप्लीकेशन इसके ऊपर मांग ली है, इसको कह दिया कि अप्लाई आप पहले करें, देन मैं इसको अप्रूव करूंगा। अच्छा, अब अमेजोन पहले ये होता था कि ग्लास की प्रोडक्ट, लिथियम बैटरीज, जल्दी आग पकड़ने वाली प्रोडक्ट्स, मेडिसिन की आइटम्स, कोई इस तरह की जो चीज़ें थी इनको हम गेटेड बोलते थे, कि इनके लिए अमेजोन जो है वो काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करता था इनको सेल करने के लिए, तो हम कहते थे कि ये गेटेड है। हालांकि वो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं अमेजोन को, तो वो भी अनगेट हो जाती है, आप उनको भी सेल कर सकते हैं, मेडिसिन सेल कर सकते हैं, आप लिथियम बैटरीज भी सेल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अब अमेजोन ने क्या कर दिया है, एक आम प्रोडक्ट के ऊपर भी वो ये कह देता है कि आप मुझे एप्लीकेशन दें इसको सेल करने के लिए। अच्छा, ये हर प्रोडक्ट के साथ भी वो आपके साथ करेगा, ये उसकी, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रोडक्ट पे आपसे ये एप्लीकेशन मांग ले, ठीक है। ये है फर्स्ट सिनेरियो। अच्छा, इसमें आप, उसने क्या कहा जी, अप्लाई टू सेल, देखते हैं क्या कहता है अप्लाई टू सेल में, हम आगे आते हैं। अच्छा, अप्लाई टू सेल पे हमने क्लिक कर दिया, अप्लाई टू सेल पे जब हमने क्लिक किया तो उसने कहा जी कि ये आपकी सेलिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कंडीशंस, क्या कंडीशन है। अच्छा, एक तो उसने आपको कहा कि ये जो ब्रांड था ना, इस ब्रांड की प्रोडक्ट थी टॉय एंड गेम्स कैटेगरी का, ठीक है, ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड के से आप, ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके चलता हूँ, वहां से आपको सही पिक्चर क्लियर होगी। ये देखें, यहाँ पे जब वहां पे आपने जब क्लिक करना है ना, तो ये आप, आपके सामने नई विंडो एक आ जानी है,
अच्छा वो क्या कह रहा है कि अपने इस ब्रांड से एक जो है वो हमें लेटर ऑफ अप्रूवल, या तो एक लेटर ऑफ अप्रूवल अपने ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से आप हमें लेके दें, ठीक है। और या फिर वो कहता है कि आप को यहाँ पे ये देखें, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, नीचे वो क्या कह रहा है, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट कौन सा, आपने यहाँ पे एलएलसी वाला ईमेल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एलएलसी वाला ईमेल देके जब उसको सबमिट करना है, तो ये वाली एक आपके सामने विंडो आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें वो नीचे फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे आपने अपनी एलएलसी वाला ही फ़ोन नंबर जो कि अमेरिका का होगा वो यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर दे देना, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। अब वो ये बता रहा है कि आप ये कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस है। वो कहता है कि या तो मुझे एक अप्रूवल ऑफ लेटर दे दो, ठीक है, जो अप्रूवल ऑफ लेटर जो है, हाँ, या एक अप्रूवल ऑफ लेटर दे दो, या मुझे अपने जो प्रोडक्ट है इसकी 10 यूनिट की इनवाइस दे दो। अच्छा, जो लेटर ऑफ अप्रूवल है उसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर का, आपके ब्रांड का नाम वाजे होना चाहिए, और उसमें आपकी एलएलसी जो कि आपकी कंपनी है उसका भी नाम वाजह होना चाहिए। अब वो ये क्यों कह रहा है कि वो मेक श्योर कर रहा है कि फेक लेटर मुझे ना दिया जाए। अच्छा, ठीक हो गया। ये होने के बाद अब आपको पता है कि जब आप ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं तो ब्रांड आपको जब अप्रूवल देता है तो आपको ईमेल करता है, ठीक है ना। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपको ईमेल उनके साथ रापा किया करें। अब जो ईमेल होती है वही आपने यहाँ पे अपने, अगर वो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं और अमेज़न आपसे रिक्वायर कर रहा है ये सारी चीज़ें, तो आपने वो ईमेल ही यहाँ पे सेंड कर देनी होती है जिसमें ब्रांड ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको अप्रूवल दी हुई होती है। और अच्छा, क्या कह रहा है इसमें, ये दो चीज़ें वो कह रहा है कि आपके आपका नाम वाजे हो और डिस्ट्रीब्यूटर का या ब्रांड का नाम वाजे हो। आगे आ जाए इनवाइस पे, वो क्या कहता है इनवाइस पे, वो कह रहा है कि जो 10 यूनिट्स की आपने मुझे इनवाइस देनी है, इस इनवाइस में भी आपकी कंपनी का नाम क्लियर लिखा हुआ हो और आपके ब्रांड की जो या डिस्ट्रीब्यूटर की जो कंपनी नेम है वो भी वहाँ से लिखा हुआ हो, और ये जो इनवाइस है ये 180 डेज से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 180 डेज कितना हो गया, 6 माह, यानी कि 6 माह से पुरानी इनवाइस वो कहता है कि नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट इनवाइस होनी चाहिए जो आप मुझे भेजें, और बस, और मिनिमम 10 यूनिट्स की इनवाइस होनी चाहिए, 10 से कम की मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब वो क्या मांग रहा है, ये दो चीज़ें, दोनों में से एक कहता है मुझे प्रोवाइड कर दो और दोनों में से आपने कोई एक प्रोवाइड करनी होती है। अब देखिए, जब आप कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं तो डेफिनेटली जब हम उसकी पेमेंट कर देते हैं तो उसकी इनवाइस हमें आती है, ईमेल में भी आती है, और हमारा जो उस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ होता है उसमें भी आ जाती है, तो आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके अमेजोन को सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपकी जो है वो फिर, जिसको हम गेटेड गेटेड कहते हैं, अनगेट हो जाती है। ये हो गया, ठीक है जी, ये है फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। तो ये अब आपने ये सारे जो चेक मार्क हैं इनको, इन मार्क्स को चेक कर ऑन करके, तो आपने इसको फिर सबमिट करना होता है अपने इस एप्लीकेशन को, ठीक है। ये आपने सबमिट कर देनी है, तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जानी है। अच्छा, देन सेकंड सिनेरियो में क्या है, हम वो देखते हैं। ये हम एक और एसएल लेके आए, ठीक है, हमने वहाँ पर पुट किया, तो इसके ऊपर क्या आया, इसके ऊपर क्या आया कि सेल दिस प्रोडक्ट, वहाँ पे आया था अप्लाई टू सेल, ठीक है, कि आप अप्लाई करें इसको सेल करने के लिए। यहाँ पे आया सेल दिस प्रोडक्ट, ये देखें, ये हमने एसएल, ये हमारा आ गया, कोई और एसएल दिया है, ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। ये उसने उसका यूपीसी ई एन डायमेंशंस खुद ही उठा ली है, और इसके ऊपर उसने सेकंड सिनेरियो का दिया है कि सेल दिस प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस ब्लू वाले अपना बॉक्स को जब हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट विंडो में वो हमें क्या कहता है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप इस प्रोडक्ट को विदाउट एनी एप्लीकेशन सेल करते हैं। सेकंड सिनेरियो ये है। अच्छा, हमने ऐसी प्रोडक्ट देखी है कि जो एक क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर लग गई, उसके ऊपर आ गया सेल दिस प्रोडक्ट, बेचते हैं इसको, और अगर वो प्रोडक्ट हमने किसी और क्लाइंट को दिखाई है तो वहाँ पे आ गया अप्लाई टू सेल। तो हमने फिर यहाँ से ये चीज़ देखी है कि ये जो अप्लाई टू सेल आता है और
सेल दिस प्रोडक्ट आ जाता है, एक ही प्रोडक्ट के साथ आपके साथ ये काम भी है मार्केट में होगा। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि उस सेलर सेंटर अकाउंट की हेल्थ क्या है। अगर तो अकाउंट नया नया है, उसके ऊपर कोई इतने रिव्यूज नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, तो अमेजोन स्टार्ट में आपसे अप्लाई टू सेल मांगता है, ठीक है, जब आप लिस्टिंग के लिए जाते हैं। तो जब आपके सेलर सेंटर की थोड़ी हेल्थ बनी हुई होती है, कोई 5 या 7 माह या साल पुराना अकाउंट होता है, उसके कोई रिव्यूज बने हुए होते हैं, कोई लिस्टिंग हुई हुई होती है, कोई सेल्स हो रही होती हैं, तो देन वो आपको रेडी टू सेल प्रोडक्ट को आपको कहता है, उसके ऊपर एप्लीकेशन नहीं रिक्वायर करता, ठीक है ना। ये डिपेंड करता होता है आपके क्लाइंट की अकाउंट की हेल्थ के ऊपर, लेकिन दोनों सिनेरियो में आपको काम फंड आना चाहिए। अगर अप्लाई टू सेल भी वो कहता है तो नो इशू, आप उसको अपना जो है या तो लेटर ऑफ अप्रूवल जो है वो दे दें, या फिर 10 यूनिट्स की इनवाइस जो है वो दे दें, और वो आपकी 72 आवर्स में जो है वो प्रोडक्ट अनगेट हो जाएगी, अप्लाई टू सेल हो जाएगी। और जब अप्लाई टू सेल ही बोलेगा तो देन क्या करना है, लेकिन देन ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जब आप अप्लाई टू सेल पर क्लिक करेंगे तो ये वाली एक आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो क्या हमसे पूछ रहा है कि सेलर SKU, ये अगर आपने अपने प्रोडक्ट को कोई अपनी शिनाख्त देनी है तो आप यहाँ पे कोई भी शिनाख्त अपने इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने इस प्रोडक्ट को आपके पास बेशुमार प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, तो आप खुद से कोई इसको शनाखत या कोई ऐसा रोल नंबर या कोई ऐसी देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सेलर SKU से कहते हैं, यहाँ पे आप उसको वो दे सकते हैं जो भी आप रखना चाहें इस प्रोडक्ट की वो पहचानने के लिए। अच्छा, फिर वो पूछता है कि स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, ये आपको पता है कि प्राइस आपने खुद सेट करनी होती है अपनी प्रोडक्ट की, बेशक वो एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट होती हैं और दूसरे सेलर भी उनको सेल कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली हर सेलर की प्राइस जो है वो डिफरेंट होती है, सेम भी होती है, डिफरेंट भी होती है, तो आपने भी तो अपनी प्राइस रख के जाना होता है, और उसी प्राइस के सर के ऊपर फिर आपको बाय बॉक्स में मिलना होता है। तो डेफिनेटली जो और सबसे SKU में फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? स्टॉक कीपिंग यूनिट इसे कहते हैं SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। सेलर SKU मुराद, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लगी हुई है 21 प्रोडक्ट, ठीक है, 21 प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी इस अकाउंट के ऊपर लगी हुई हैं, लिस्ट हुई हैं, तो ये मेरी 22 प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PRO 22, ठीक है। अब ये मेरी एक वो शनाखत बन गई, मुझे पता चल गया, चल जाएगा कि ये मेरी प्रोडक्ट नंबर 22 है, ठीक है। ये मेरा अपना एक स्टॉक कीपिंग यूनिट होगा कि इस यूनिट की जो कीप करने का है ठेकेकार, वो मैंने एक तय किया है, और उसको मैंने एक रोल नंबर अलॉट कर दिया है या एक आइडेंटिफिकेशन का मार्क उसको मैंने दे दिया है। जैसे हम ठीक है कहते सर, हैं क्लियर हो गया। किसी चीज़ के ऊपर, आप किचन में मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो हम उसके ऊपर लिख नहीं देते कि ये फलानी है, ये फलानी फलानी, तो उस तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये आपने एक जस्ट आइडेंटिफिकेशन देनी होती है। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने प्राइस देनी है, प्राइस जो आपने वो देनी है जो आपका सबसे मिनिमम प्राइस वाला सेलर है उससे कोई 2-4 सेंट डाउन रख के आपने प्राइस देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप प्राइस मेंशन करेंगे। अच्छा, क्वांटिटी आप देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते ना दें, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने कितनी क्वांटिटी का स्टॉक मंगवा रहे हैं। तो मिनिमम 10 यूनिट से ऊपर आपकी इन्वेंट्री फर्स्ट होनी चाहिए, 10 से कम अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख भी दें, 10, 20, 30 जितनी भी इन्वेंट्री आप ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा, कंडीशन कंडीशन बड़ी ज़रूरी है अमेजोन पे, आपको पता है यूज एंड न्यू दोनों किस्म की प्रोडक्ट सेल होती हैं, तो यहाँ पे आपने उसकी कंडीशन बनानी होती है कि मेरी प्रोडक्ट न्यू है या यूज है। इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा, तो आप इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, देन हम आगे आ जाते हैं, आगे आके ये देखिए यहाँ पे आपने उसके ऊपर बताना है, ये देखिए फुलफिलमेंट ठीक हो गया, ये आपने फिलअप कर दिया। फुलफिलमेंट में आपने उसमें बताना है कि मेरी फुलफिलमेंट अमेजोन करेगा या मैं खुद करूंगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपने FBA करना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के आप FBM तो नहीं कर सकते, ये तो अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ तो चलो वो तो कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या है कि आपको FBA करना पड़ता है, तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यही आपने यहाँ पे इसको चेक मार्क करना है, ठीक है। आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, और $50 एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग की फीस है मार्केट में, मीटू लिस्टिंग की, ठीक है।
और ये सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। अच्छा ये देखें, आपने यहाँ पे SKU भी दे दिया, अपना प्राइस भी दे दी, कंडीशन भी बता दी, और यहाँ पे आपने इसको बता दिया कि मैंने FBA करना है, ठीक है ये फुलफिलमेंट है। यहाँ पे आपने इसको बता दिया कि मैंने FBA करना है। अच्छा देन आप आगे चलते हैं, यही चीज़ें होती हैं जो आपने बतानी होती हैं। उसके बाद ये जो कॉलम्स आएंगे इनको कुछ फिलअप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप इनको चेक ब्लैक रहने दें। अब आप ये देखें सेव सेव, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, अपने इस जो भी आपने लिस्टिंग की है इस लिस्टिंग को ड्राफ्ट में, ये आपकी लिस्टिंग सेव हो जाएगी, लाइव नहीं होगी अभी, ठीक है। यहाँ फर्स्ट सेव हो जाएगी। अच्छा देन आप आगे जाके ये देखें, ये आके इस तरह से फिर ये शो होगी, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ पे इसको करेंगे तो इस तरह से ये आपके शो हो जाएगी। और दोबारा से आप इसको कैटलॉग में ही जाके जब भी आप इसको लाइव करना हो तो आप अपने मैनेज इन्वेंट्री में, या इन्वेंट्री से भी आप कर सकते हैं इसको लाइव, और कैटलॉग से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से ये मैनेज इन्वेंट्री में जाके ये लाइव हो जाएगी। तो जब आपका स्टॉक आ जाए तो आप इसको लाइव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर ये आपकी जो है वो आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो हो रही होती है, ये इस अकाउंट के ऊपर अपना ये दो लिस्टिंग इस पेज पे शो हो रही है, एक ये वाली जो हमने अभी की है, ठीक है, और एक ये। अच्छा अब जहाँ से आप एडिट पे जाएँ, और एडिट पे जाके आप अपनी जो आपने लिस्टिंग को सेव किया हुआ है ड्राफ्ट में, इसको आप यहाँ से लाइव भी कर सकते हैं। इसको आप मजीद एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, FBA से FBM करना चाहें तो कर सकते हैं, अपनी प्राइस चेंज करना चाहें तो यहीं से आप एडिट पे जाके कर सकते हैं, बाकी कुछ चेंजिंग लेके आना चाहे तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी जो मी टू लिस्टिंग है वो करनी होती है, ठीक है। कोई यहाँ पे क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, कर लें, अदरवाइज मैडम आपको बताएं कि आपने किस तरह से क्लाइंट को हंट और ग्रैब करना है और किस तरह से काम करना है। सर वो जो इन्वेंट्री मंगवाने के लिए सर लेबल वगैरह प्रिंट करते हैं वो कैसे करने हाँ जी, हाँ जी बेटा, बेटा देखें वो भी कोई ऐसा काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। सिंपल इज दैट है कि उसमें आपने ना एक शिपमेंट प्लान बनाना होता है। फॉर एग्जांपल हम आपको बताया तो ज़रा इजी हो जाएगा, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, सोर्स कर ली, अपने सप्लायर को ऑर्डर कर दिया। अच्छा सप्लायर ने वो है 100 पीस, वो है 100 पीस, और किसी भी आइटम के 100 पीस है, 100 यूनिट है। अच्छा अब आपके सप्लायर को आपने एक शिपमेंट प्लान बना के देना होता है, ठीक है। शिपमेंट प्लान में क्या होता है कि इस 100 पीस पे तुमने कितने कार्टन पैक करने हैं, हर कार्टन में कितने कितने यूनिट तुमने रखने हैं, और इसको किस एड्रेस पे तुमने शिप करना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट पे ही आएंगे और इन्वेंट्री में जाके आप इसका एक शिपमेंट प्लान बनाएंगे। उस शिपमेंट प्लान में कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट जब आपने वहां पे जाना है तो इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, शिपमेंट प्लान पे आना है। तो अमेजोन ने आपसे पूछना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके कार्टन कितने हैं, ठीक है, कितने बॉक्सेस हैं। आपने उसको कहना है फॉर एग्जांपल 100 पीस है आप आपका, आपने उसे कहना है 4 बॉक्सेस, ठीक है। जब आपने उसको 4 बॉक्सेस कहना है तो उसने आपसे पूछना है, अब उसने जब आपने 4 बॉक्सेस कर देना ना क्लिक, तो नीचे उसने 4 बॉक्स बना देने हैं, समय लगे 4 बॉक्स टाइप अ कॉलम बन जाएंगे। अब वो पूछेगा कि ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसमें कितने पीस हैं, आप बताएंगे 25, देन सेकंड वाले ये जो बॉक्स है इसमें कितने हैं, आप बताएंगे 25, थर्ड वाले में कितने 25, फोर्थ वाले में कितने 25। तो ऑटोमेटिक उसने खुद ही टोटल कर देना कि 100 यूनिट। अब उसको पता चल गया कि ये 4 बॉक्स हैं और इनमें 25 25 चारों में है और ये 100 यूनिट है। तो उसने नीचे आपने एक बटन होगा जिसपे उसके लेवल और SKU आपको एक जनरेट करके देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसने क्या करना है, 4 कार्टनों के 4 लेवल और 100 यूनिट के 100 SKU ये आपको सॉफ्ट कॉपी में जनरेट कर देने। अच्छा जब उसने ये वो जनरेट कर देने हैं तो साथ ही उसने अपना अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस भी आपको दे देना है। एड्रेस तब आएगा जब आपका शिपमेंट प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा आपके पास क्या आ गया, आपके पास 4 लेवल भी आ गए, 100 SKU आ गए और अमेजोन का एड्रेस आ गया।
आपने वही जो स्मार्ट अपना सॉफ्ट कॉपी है अपने सप्लायर को शिपमेंट प्लान की सेंड कर देनी है, तो उसको समझ लग जानी है कि मैंने 4 क्वार्टन में ये 25-25 यूनिट पैक करने हैं और 100 यूनिट हो जाने हैं, और इस एड्रेस के ऊपर मैंने ये शिप करने हैं, और वो जो सॉफ्ट कॉपी आपने भेजी होगी उसमें 4 लेवल होंगे, उसमें उसमें 4 लेवल होंगे और 100 SKU होंगे, ठीक है ना। तो वो फिर उसी वो डिस्ट्रीब्यूटर भी उसको अपना कर सकता है, उसके ऊपर उसकी पेस्टिंग अमूमन डिस्ट्रीब्यूटर ही कर देते हैं। तो नहीं तो अमेजोन खुद भी ये सर्विस देता है कि आपके लेवल और SKU की जो है वो पेस्टिंग वो अमेजोन खुद ही कर देता है। तो ये सिंपल इज दैट, बहुत सिंपल है, वो भी कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है शिपमेंट प्लान का, ठीक है ना जी। अब कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का? और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर वो प्रेप सेंटर की सर्विस कैसे सर लेंगे हम? हाँ जी, प्रेप सेंटर की सर्विस आपको बेटा तब लेनी पड़ेगी कि अगर आपने कोई पैकअप बनवाना है, कोई पैकिंग चेंज करवानी है, या कोई ज़्यादा बल्क में माल उठाया है तो उसको अपनी अमेज़ॉन की पैकिंग के मुताबिक उसको पैक करवाना है। अच्छा, उसके लिए क्या होगा कि आपने जिस स्टेट से वो प्रोडक्ट ली है, जहाँ पे आपका सप्लायर है, आप जस्ट गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे उस स्टेट का नाम, लिख के आप जस्ट लिखेंगे कि प्रेप सेंटर, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क प्रेप सेंटर, न्यूयॉर्क का सप्लायर है आपका, तो न्यूयॉर्क के प्रेप सेंटर, तो वहाँ पे आपको बेशुमार प्रेप सेंटर आ जाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि ये मेरा आइटम है, ये मेरी चीज़ है, इतना इसका वेट है, इतनी इसकी डायमेंशन है, ये मैंने इस पैकिंग में है और मैंने इस पैकिंग में करवानी है, तो वो आपको रेट देंगे। तो वहाँ से आपने 5-6 प्रेप सेंटर्स के रेट ले लेने, जिसका रेट आपको चीप लगे उसके पास आपने उसको डन करके उसके बाद शिप करवा दें, और उनको फिर अपना शिपमेंट प्लान फिर आप अपना किसको भेजेंगे, अपने प्रेप सेंटर को, ठीक है, वो उसकी पैक ऑफ बना के तो फिर उस शिपमेंट प्लान के मुताबिक उसके लेबल लगा देगा, उसके SKU लगा देगा और अमेजोन के वेयर हाउस शिप करेगा। इस तरह से ये आपने करना होता है। जितने भी आपके प्रेप सेंटर हैं वो सब के सब जो हैं गूगल के ऊपर इजीली अवेलेबल है, और वो सब ठीक होते हैं, अथेंटिक होते हैं, सेंट्स में इनके रेट होते हैं, जिसका रेट ज़्यादा मुनासिब आपको लगे 4, 5, 6 के साथ निगोशिएट करें, जिससे मुनासिब लगे उसके साथ आप उसको अपनी भिजवा के काम करवा लें। अगर नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रेप सेंटर की सर्विसेज देते हैं, आप उन्हीं से ये काम करवा सकते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ये सब क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड जी, ओवर टू यू मैडम। मैडम अब आपको बताती हैं बेटा कि आपने किस तरह से अपने जो स्टैट हैं किस तरह से वहाँ पे, हाँ जी स्टैट आपको बताए हुए आपने किस तरह से अपने प्रिपेयर करने हैं। तो माशाल्लाह ये लोग बना लेते हैं, मुझे सब बच्चों ने सेंड किए हुए हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करने हैं, तो आप लोगों ने बताया कि वो ग्रुप ज्वाइन कर लिए हुए हैं और वहां आपने देखा कि कई पोस्ट आई हुई होंगी, ठीक है ना, कि आई नीड वी है ये वो। आपने उसको जो है मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मैसेंजर में जाके उनके इनबॉक्स में जाके तो आपने वहां पे उनसे कॉन्टेक्ट करना है और वहां आपने उन्हें कहना है कि आई एम एक्सपर्ट वी ऑफ होलसेल एफ बी डू यू नीड माई सर्विसेज, इस तरह का कुछ भी। और इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताऊं कि आपने अपने प्रोडक्ट्स के जो स्टैट्स बनाने हैं, आप वो वाले स्टैट्स भी एज इट इज जैसे बनाई है एसन के बगैर आप अपनी फेसबुक पे जो है वो कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट करने के बाद आप वहां पे लिख दें होलसेल एफ बी प्रोडक्ट यूएस मार्केट इफ एनी वन इंटरेस्टेड कम इनबॉक्स, ये इतना का आप लिख दें वहां पे। और उसके बाद आपसे यकीन करेंगे लोग कॉन्टेक्ट, लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी फेसबुक में आपकी ऑडियंस ज्यादा होनी चाहिए। जितने ज्यादा अमेजोन से रिलेटेड लोग होंगे उतना ही लोग आप तक और आपकी पोस्ट तक अप्रोच करेंगे। अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स के पर्सन ही हैं तो देखिए उनका कोई कंसर्न नहीं है आपके अमेजोन के काम से, तो वो पोस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगी, उसकी कोई रीच भी नहीं होगी, ठीक है। आप जो है अमेजोन से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा जो है ना ज्वाइन करें, तब ये चीज आपको फायदा देगी, तभी क्लाइंट मिलेंगे। इसके अलावा मैं तो वैसे नहीं रिकमेंड करती क्योंकि कभी मैंने और सर ने नहीं काम किया, अपवर्क फाइवर पे ना कुछ इतना आइडिया है उसका,
लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स अब रिसेंटली पास आउट बैच में से भी जो स्टूडेंट्स मेरे कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अपवर्क फाइवर पे बहुत क्लाइंट है होलसेल एफबीए का। और अब मुझे बच के एक बच्चे ने कल टेक्स्ट किया यूट्यूब से नंबर लेके कि मैम मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज सीखा है और मैं अपवर्क पे काम कर रहा हूँ और वहां पे क्लाइंट सारा आता ही होलसेल एफबीए का है, तो अब मैं होलसेल एफबीए सीखना चाहता हूँ ना, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज का वहाँ कोई क्लाइंट नहीं मिलता ना ही पीएल का मिलता है। तो जो आप लोगों में से इस चीज में है थोड़ा उस वे कर लेते हैं काम, अपनी गिग वगैरह बना लेते हैं और वहां पे आता है काम करना, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज में, और आप लोगों में से जो करता है तो फिर वहां पे भी जरूर करें आप लोग अपने मैम अकाउंट्स वगैरह अपवर्क, बनाए। मैम अपवर्क पे ना जो जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो हमसे ना पोर्टफोलियो मांगते हैं। मतलब जब तक हमारे अच्छा पास पोर्टफोलियो नहीं होगा तो हमें क्लाइंट अप्रोच ही नहीं करेगा। हम जितनी मर्जी अच्छा सेलेक्ट मुझे करते बताएं कि चले जाए पोर्टफोलियो में क्या चीजें हैं जो आपको नीड होती हैं, क्या कुछ चाहिए होता है पोर्टफोलियो बनाने वो हमें पास्ट जो हमारा वर्क होता है ना, जो हम किसी क्लाइंट के साथ कर किया होता है, वो प्रूफ के किया तौर पे होता है। दिखाना होता है कि हमने ये इस क्लाइंट के साथ किया है, काम इतनी देर किया है इसकी, ये मतलब कि हम लोगों ने काम किया है, ये सब कुछ शो करना होता है। तब जो क्लाइंट जब वो अप्रोच करता है उसको चले पता होता मैं इस चीज में ना मैं आपको पूछ के बताऊंगी जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे सर ने आपको समी का बताया और एक दो और है, तो मैं उनसे पूछूंगी कि उन्होंने क्या, क्योंकि उन्होंने यहाँ से डायरेक्ट हमसे सीख के ही वहां पे किया, तो उन्होंने कैसे अपना जो है वो पोर्टफोलियो बनाया, मैं उनसे पूछ के तो आप लोगों को जरूर इस चीज के बारे में ना बताऊंगी। ठीक है जी मैम, जी हाँ जी, बिल्कुल के उन ठीक लोगों ने है हाँ। मैम। और जी इसके अलावा बाकी जो है यही वेज है, मैंने तो जैसे भी क्लाइंट्स ग्रैब किए हैं, बल्कि मैं तो अभी भी 15 मिनट बैठू तो मैं 15 मिनट में जो है एक आधा क्लाइंट जो है ग्रैब हो जाता है फेसबुक से या ऐसे ही, तो यही मेरे ख्याल में जो है बेहतरीन वे है। लेकिन अब ये है कि एक पोस्ट आई हुई होती है, मैं देखती हूँ उसके नीचे 200 कमेंट्स आए हुए होते हैं, तो आपने वहां कुछ करना ही नहीं, आपने सिर्फ कहना है चेक इनबॉक्स, और इनबॉक्स में जाके ही आपने उसको करना है। ठीक है, उसमें आपको जो पर्सन मिल जाए मार्केट प्लेस वाले वो आपने वहीं पे छोड़ देने हैं, उनको बिल्कुल नहीं लेके आना। और एक वो मेरी बात सुने, अपना टाइम ऐसे कामों में वेस्ट नहीं करना जो कह रहे होते हैं कि हमारे पास अमेजोन होलसेल एफबीए का प्रोजेक्ट है और हमें 30% चाहिए या 40% चाहिए। देखिए अब आप लोग भी सीख रहे हैं, आपको पता है कि 30-40% की जरूरत ही नहीं है, 4 से 5 अच्छे काम करने वाले लोग हों तो इन्हीं का ग्रुप बहुत होता है। वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहती हूँ 2 बंदे ही बड़े होते हैं काम करने वाले अगर हो तो ये सारा कुछ फेक होता है, ये आपका टाइम वेस्ट होता है, ये आपको ले जाते हैं बाद में, इनकी और काम होते हैं फॉरेक्स फॉरएवर जो चले हुए हैं नीचे, अपने आपने बाइनरी सिस्टम जो होता है नीचे बंदे लगाने, ये वो सारा सिस्टम है, तो ये सारे फ्रॉड है, आपने इन चीजों को अवॉइड करना है, आपने ना वहां जाना है ना उन पोस्ट को देखना है, तो ये चीजें भी इन ग्रुप्स में बड़ी फेक आई हुई होती मैम है। मैम मेरे क्वेश्चन ये है कि अगर जी कोई न्यू क्लाइंट आता है तो वो हमसे पूछता है कि मतलब कि मिनिमम बजट हमें या मैक्सिमम बजट कितना चाहिए अच्छा पीएल मैं तो। हाँ मैं बताती हूँ, क्लाइंट आपसे वो सवाल करेगा बच्चा, आप यकीन करें कि आपकी मत मार हो जाती है, सही आपने पढ़ने में आपको कुछ नहीं हुआ, सीखने में आपको कोई स्ट्रगल नहीं हुई, जितनी आपकी क्लाइंट्स आपकी मत मारेंगे, ठीक है सही नॉलेज मिलता है फिर वहां से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना ट्रस्ट है कि आप लोगों ने इतना अच्छा कर लिया हुआ है कि इतने डेप्थ में जाके हर चीज सीखी है कि आप हर चीज जो है ना आप वो बता सकते हैं। अच्छा अगर क्लाइंट आपको कहे कि आपका जो है वो मिनिमम बजट हमारा कितना हो, मिनिमम बजट हमारा कितना हो, तो आप अब मुझे आप ये बात बताएं, सपोज मैं ही क्लाइंट हूँ और मैं ही आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने होलसेल एफबीए करना है और मैं प्रोडक्ट लगाना चाह रही हूँ, तो पहले आप पूछेंगे कि आपका बजट कितना है, अगर तो वो बता देगा तो वेल एंड गुड, अगर वो आपसे ही कहेगा कि आप बताएं मेरा बजट कितना होना चाहिए, मैं ही आपसे पूछ रही हूँ, तो आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या जवाब देंगे इस बात का, क्योंकि आपने हंटिंग सीख ली, सोर्सिंग सीख ली, अब आपको पता है कि अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट कितने में आ जाती है और कितने में जो है वो आप ज्यादा प्रोडक्ट लाइव कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या जवाब होगा आप इसके अंदर। 10 to 50 डॉलर पंद्रह के सौ अंदर जो है ना दो 1000 का पोर्टफोलियो होना चाहिए, और 50 to 100 के अंदर जो है ना 2000 से अबव हो तो चलेगा। 2000 क्या बच्चे 2000 पोर्टफोलियो, हाँ हाँ बजट डॉलर की मैम, डॉलर टू डॉलर। थाउजेंड नहीं आप तो अगर कोई इतने बजट वाला ना हुआ तो आप तो ऐसे बात करके उसको फौरी डरा ही देंगे शुरू में बिल्कुल, मैम आई क्योंकि थिंक मेरे हिसाब आपने से ना एलएलसी क्रिएट देखिए करने में मतलब कि 500 to 600 डॉलर तो लग जाते हैं, और हम मिनिमम तो जो एलएलसी एंट्री से हाँ 400-450 में आई थिंक एलएलसी बन जाती है, लेकिन हम तो एलएलसी से हटके उस बंदे की बात कर रहे हैं जो एलएलसी बना चुका है और हम उसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है अगर नया आएगा तो आप वो उसे आई थिंक कहिएगा वो कि
या वन थाउजेंड नया थाउजेंड बंदा है। काफी हाँ नहीं वन, अब देखें अब मैं और सर भी एक क्लाइंट को ले बैठे हैं और उसने कहा है कि मुझे $500 में आप स्टार्ट करें, उसके बाद मैं देखता हूँ अपना फिर बजट इंक्रीज कर दूंगा। तो अब हमें भी समझ नहीं लग रही कि इतने कम, $200, $250 में उसने हमें कहा है। तो अब हमें भी समझ नहीं लग रही कि हम $250 में उसके काम कैसे शुरू करें। उसने कहा आप कर देंगे, मैंने कहा हाँ जी सर हम बिल्कुल कर देंगे। तो वो बजट इतना कम है कि अब दिल ही नहीं कर रहा वो काम देखने को भी। तो बात ये है कि जितना आपको अच्छे बजट वाला क्लाइंट मिलता है ना, मैंने आज ही देख रही थी एक थे मेरे ही इनबॉक्स में क्लाइंट थे और वो कह रहे थे कि मुझे अच्छी प्रोडक्ट दिखाएं, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट। मैंने कहा सर अच्छी से क्या मतलब? तो हाई रीच वाली। मैंने कहा हाई रीच से क्या मुराद है आपकी? तो उन्होंने कहा जो कम से कम $150-$200 जिसकी प्राइस हो, इससे कम की प्रोडक्ट मुझे ना दिखाएं ना। ऐसे भी होते हैं, ऐसे क्लाइंट के साथ काम करने का फिर मजा बड़ा आता है क्योंकि इनका बजट जो है वो खुला होता है, ठीक है ना। हमें भी कोई तंगी नहीं है। वही जब आप लोगों को मैंने पहले भी बताया खुला पैसा लेके बाजार में जाएंगे तो दिल भर के शॉपिंग करके आएंगे, तो सेम वही हिसाब है यहाँ पे भी। तो अच्छा क्वेश्चन जो हो रहा था कि अगर हमसे पूछें कि बजट कितना रिक्वायर्ड है, तो देखिए LLC 450 या 400 में जो है डॉलर में अलग से बन जाती है, उसको आप एक अलग चीज ले लें। उसके अलावा जो प्रोडक्ट मंगवानी है और लाइव करवानी है वो उसके लिए आप कहें कि देखें अगर दो दो प्रोडक्ट भी हम स्टार्ट में मंगवाते हैं, हम दो प्रोडक्ट की इन्वेंट्रियां भी मंगवा रहे हैं, तो बैठ जाओ सुनती हूँ। तो उसके लिए देखें अगर हम 10-10 यूनिट भी मंगवाएं और $20 भी हमारी प्रोडक्ट की प्राइस हो, तो वो 10 यूनिट $200 और फिर अगले 10 जो है 200, तो कम से कम 1000, कम से कम मैं कह रही हूँ, आप इससे कम में ना लें। अगर इससे कम में होगा तो आप कहें कि हाँ जी मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि आप लोग मैनेज कर सकते हैं, कम प्राइस की प्रोडक्ट भी आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपने उसको 1000 से कम का नहीं कहना, बल्कि मैं होलसेल FBA जो करवाते हैं वो तो ये कहते हैं कि आपको $5000 से आप होलसेल FBA स्टार्ट करें, ठीक है ना। वो तो कहते ही इतना है। तो हाँ जी ये लास्ट मिनट है, तो इसके बाद कोई भी, अच्छा इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन होगा कोई आपके मसले मसाइल होंगे तो बता देना, मैं आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपकी हम क्लास रख लेंगे। ये बिल्कुल डेडलाइन नहीं है कि ये आखिरी क्लास है तो इसके बाद कुछ होना ही नहीं है। तो हम पहले बैचेस की भी ऐसे रख लेते होते हैं, सडन अगर कोई जरूरत हो उन्हें मेरी या सर की, तो हम लोग एक क्लास जो है वो उनके लिए अरेंज कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह कर लेंगे, अगर आप लोगों की ज्यादा क्यूरीज हो गई तो बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत अच्छा काम कीजिएगा। आप लोगों को काम की, आप लोगों की सक्सेस की जरूरत है। इंशाल्लाह आप लोग जितना अच्छा काम करेंगे उतनी ही मुझे और सर को खुशी होगी, और मैम, बाकी मेरी जो एक कोई कमी सुजेशन कोताही है रह हमारी गई हो बैच के उसके लिए। सिलसिले मैम में। बस हाँ हम जी सबके लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि उस्ताद भी इंश वालिद की जगह में होते हैं, माँ की जगह में होते हैं। आप लोग दुआ इंशाल्लाह कीजिएगा बेटा हम आप सबके लोग लिए। भी, इंशाल्लाह आप लोग भी जरूर हमें दुआ में याद रखिएगा, खासकर सर को भी मुझे भी, कि अल्लाह ताला हमें भी कामयाबियां मैं ही दे। सुजेशन है पूछ लो। हाँ जी नहीं आप बताएं बेटा, आपको बोलने की बारी नहीं मैम आती, मेरी बताएं सजेशन ये है कि अगर हम 3-4 लोग हैं इस बैच में या 5 है मैक्सिमम, तो हम जी। मतलब नहीं कि इसमें एज ए हैं एक 10 लोग एजेंसी के तौर लेकिन पे, पता नहीं अब, एज अच्छा जी ए हम एजेंसी के तौर पे काम करें तो हम मेरे ख्याल से ज्यादा काम कर सकते हैं 4-5 लोग मिलके। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई आपसे ये बात भी पूछता है ना कि आप अकेले हैं, तो आप कह सकते हैं कि नहीं हम एजेंसी काम कर सकते हैं। आप लोगों को इतना भी फेवर है कि आप चाहें तो ग्रो वाइडर का नाम भी यूज कर सकते हैं अपनी एजेंसी के लिए। आप अपने जो है पोस्टर, ये जैसे